गाइस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पांच महाजन को, बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल को प्रेस करो जिससे मैं अपने चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज मैं करने वाला एक कंपैरिजन रेडमी नोट 9 प्रो और सैमसंग गैलेक्सी M21 के बीच में, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए। तो यदि आपका बजट 13,000 का है और आप एक फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। गाइस शुरुआत करते हैं यहाँ पर डिज़ाइन और डिस्प्ले से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिज़ाइन की, तो रेडमी नोट 9 प्रो आता है ग्लास बॉडी के साथ में। यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी M21 आता है एक प्लास्टिक बॉडी के साथ में। तो यहाँ पर आपको रेडमी नोट 9 प्रो थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेट और थिकनेस की, तो रेडमी नोट 9 प्रो आता है 209 ग्राम्स के ऊपर और सैमसंग गैलेक्सी M21 आता है 188 ग्राम्स के ऊपर। थिकनेस की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M21 आता है 8.9 एमएम की थिकनेस के साथ में और रेडमी नोट 9 प्रो आता है 8.8 एमएम की थिकनेस के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेडमी नोट 9 प्रो थोड़ा भारी और बल्की देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको रेडमी नोट 9 प्रो में थोड़ा कैमरा बम्प देखने को मिल जाता है और सैमसंग गैलेक्सी M21 में आपको कैमरा बम्प देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की। तो दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो आता है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले के साथ में। यहाँ पर आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशो देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये एक नॉर्मल 60Hz का डिस्प्ले है। सैमसंग M21 की बात करें तो ये आता है 6.4 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। यहाँ पर आपको 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशो देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और ये भी एक नॉर्मल 60Hz की डिस्प्ले के साथ में आता है। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमें सैमसंग गैलेक्सी M21 में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 की डिस्प्ले थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है रेडमी नोट 9 प्रो के कंपैरिजन में। यहाँ पर आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। कलर्स डीप ब्लैक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में थोड़ा आगे निकल जाता है यहाँ पर M21। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन फोन्स के चिपसेट की। तो दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो आता है स्नैपड्रैगन 720G के साथ में। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। दोस्तों ये एक लेटेस्ट और स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है क्वालकॉम की तरफ से। यहाँ पर भी आप हाई एंड गेम्स खेल सकते हैं। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी M21 आता है सैमसंग के ही एक्जिनस 9611 चिपसेट के साथ में। ये भी एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और दोस्तों यहाँ पर भी आप हाई एंड गेम्स काफ़ी अच्छे से खेल सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप पबजी HDR में खेल सकते हैं। तो दोस्तों दोनों फ़ोन्स के प्रोसेसर में आपको कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों फ़ोन्स में आपको लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर दोनों फ़ोन्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं पर इन फ़ोन्स की बैटरी की। तो दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो आता है 5020mAh की बैटरी के साथ में। यहाँ पर हमें 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी M21 की बात करें तो ये आता है 6000mAh की बैटरी के साथ में। यहाँ पर हमें 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों दोनों फ़ोन्स में आपको फास्ट चार्जर इनबॉक्स ही देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर फास्ट चार्जिंग की, तो हमें रेडमी नोट 9 प्रो में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैटरी के बैकअप की, तो वो हमें सैमसंग गैलेक्सी M21 में रेडमी नोट 9 प्रो के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने दोनों फ़ोन्स के कैमरा की। तो दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो आता है 48 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ में। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो शॉट्स कैप्चर करने के लिए सेंसर, वहीं पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। वहीं पर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 आता है 48+8+5 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में। 48 मेगापिक्सल का कैमरा एक मेन लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। दोनों फ़ोन्स के रियर कैमरा से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। दोनों फ़ोन्स में आपको 1080p 30fps में EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 में आपको सुपर स्टेडी वीडियो मोड देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम थोड़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों दोनों फ़ोन्स के रियर कैमरा में आपको नाइट मोड और काफ़ी सारे ब्यूटी मोड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों फ़ोन्स के कैमरा सैंपल्स की, तो वैसे दोस्तों दोनों फ़ोन्स काफ़ी अच्छी फोटो शूट कर लेते हैं और वीडियोस भी काफ़ी अच्छे शूट कर लेते हैं। दोनों फ़ोन्स के वीडियोस में आपको काफ़ी अच्छी स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। और फोटोज़ की बात करें तो दोनों फ़ोन्स के द्वारा क्लिक की गई फ़ोटो में आपको काफ़ी अच्छी शार्पनेस, कलर कॉन्ट्रास्ट और डिटेल्स देखने को मिल जाती है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो रेडमी नोट 9 प्रो आता है 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ में और सैमसंग गैलेक्सी M21 आता है 20 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ में। तो दोस्तों फ्रंट कैमरा में सैमसंग गैलेक्सी M21 का स्लाइटली बेटर देखने को मिल जाता है। दोस्तों रियर कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा की परफॉर्मेंस आपको दोनों फोन्स में लगभग सेम ही देखने को मिल जाती है।
आप कह सकते हैं हमें 19-20 का फ़र्क देखने को मिल जाता है। कहीं कहीं पर Redmi Note 9 Pro अच्छी पिक्चर कैप्चर कर लेता है तो कहीं कहीं पर Samsung Galaxy M21 अच्छी पिक्चर कैप्चर कर लेता है। दोस्तों अगर आपको इन दोनों फ़ोन्स का डिटेल में कैमरा कंपैरिजन देखना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी हुई है, अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों दोनों फ़ोन्स के रिमेनिंग फीचर्स की बात करें तो दोनों फ़ोन्स आते हैं ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में। Redmi Note 9 Pro में आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जबकि Samsung Galaxy M21 में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। दोनों फोन आते हैं यहाँ पर Android 10 के साथ में। Redmi Note 9 Pro में आपको MIUI 11 देखने को मिल जाता है, जबकि Samsung Galaxy M21 आता है One UI 2.0 के साथ में। दोनों फोन में आपको LPDDR4X वाली रैम देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों दोनों फोन में आपको UFS 2.1 वाली स्टोरेज देखने को मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं पर दोनों फोन्स की प्राइसिंग की तो दोस्तों दोनों फोन्स आपको मिलते हैं दो वेरिएंट्स में 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज। Redmi Note 9 Pro का जो बेस वेरिएंट 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में उसकी प्राइस है 12,999 रुपीज़, और जो 6128 वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है यहाँ पर 15,999 रुपीज़। M21 की बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस है यहाँ पर 12,999 रुपीज़, और जो इसका 6128 वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस यहाँ पर 14,999 रुपीस। तो दोस्तों दोनों फोन्स का जो बेस वेरिएंट है उनकी कीमत तो सेम है, लेकिन जो 6128 वाला वेरिएंट है वहाँ पर Redmi Note 9 Pro की प्राइस 1000 रुपए ज्यादा है M21 से। दोस्तों फाइनली अगर हम बात करते हैं अपन कंक्लूजन की तो दोस्तों दोनों फोन्स में आपको कोई भी क्लियर विनर देखने को नहीं मिलता है। कुछ चीजें हमें Redmi Note 9 Pro में अच्छी देखने को मिलती है जैसे कि ग्लास बॉडी, तो कुछ चीजें हमें Samsung Galaxy M21 में अच्छी देखने को मिलती है जैसे कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 6000mAh की बड़ी बैटरी। तो दोस्तों यदि आपको एक ग्लास बॉडी चाहिए, अगर आप Redmi Note सीरीज के फैन हैं, तो आप जा सकते हैं Redmi Note 9 Pro के लिए। और यदि आपको Samsung का भरोसा चाहिए, यदि आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी चाहिए, यदि आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, तो आप जा सकते हैं Samsung Galaxy M21 के लिए। दोस्तों आप दोनों फोन्स में से कोई सा भी फोन परचेस करें, दोनों फोन्स में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बस ये था एक कंप्लीट कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अपने चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज मी दीपांश सेइंग गुड बाय।